हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो आपने अपलोड कर दिया, उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम मिल गया है, तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे 5 मिनट के अंदर? इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कैसे आप 5 मिनट के अंदर अपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियोज के अंदर हो, उसको आप कैसे जो है विदाउट कॉपीराइट आप उसको हटा सकते हैं 5 मिनट के अंदर अपने वीडियो से, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीजें बहुत ही प्रूफ से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। आप भी खुद इसको घर बैठ के कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप 5 मिनट के अंदर अपने कॉपीराइट क्लेम को अपनी वीडियो के अंदर से रिमूव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आपकी कोई अपलोडेड वीडियोज पे आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे 5 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कैसे आप कॉपीराइट क्लेम रिमूव कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पे आपको नए जो आपका स्टूडियो बेटा है, यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपके पास कोई कॉपीराइट क्लेम है या नहीं है। तो आप उसको यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे भी करके देख सकते हैं, नहीं तो आप उस यहाँ पे अपनी वीडियो पे चले जाइए। वीडियो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा जिस पे भी आपको कॉपीराइट क्लेम है, वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको कोई जो मेरी कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो है उसको मैं देख लेता हूँ। आप यहाँ पे देखते हैं सी डिटेल करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वीडियो पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस कॉपीराइट क्लेम का, पब्लिक मैंने ये की हुई है। ये मोनेटाइजेशन इसका इनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जितना रेवेन्यू है वो कॉपीराइट ओनर के पास जाएगा। इसमें 2 सॉन्ग हैं, आप देख सकते हैं दोनों पे कॉपीराइट क्लेम मिला है। इनको मैं कैसे रिमूव करूँगा यहाँ से? तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो मैं इसको यहाँ पे ट्रिम कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ सॉन्ग, और या फिर सॉन्ग को मैं म्यूट कर सकता हूँ। अगर आपका खुद का ये कंटेंट है, ऑडियो आपका है, तो आप यहाँ पे डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेरा नहीं है खुद का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। और यहाँ पे कौन सा सॉन्ग है, किसने कॉपीराइट दिया है, वो सब चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने कॉपीराइट आपको दिया है। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? सिंपली हमें जाना है अपने एडिट में। एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पे चले जाइए एडिटर में। जैसे आप एडिटर में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ ऑडियो पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा कैसे आप कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। 2 या 3 मिनट लगती है कॉपीराइट क्लेम को हटाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो है, यहाँ पे 23 सेकेंड का ये कॉपीराइट मिला है और 42 सेकेंड का ये कॉपीराइट मिला है। तो फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इरेज ऑडियो। अगर आप इरेज करना चाहते हो, हटाना चाहते हो सॉन्ग को, या फिर उसकी जगह कोई और मतलब रिप्लेस करना चाहते हो, उसकी जगह कोई दूसरा सॉन्ग रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख लीजिए। यहाँ पे मुझे मिला है 24 सेकेंड से लेकर 42 सेकेंड, मतलब 1 मिनट का वीडियो कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको उसी हिसाब से उसी टाइमिंग तक मैं यहाँ पे वीडियो ले लेता हूँ। मैं 1 मिनट तक वीडियो ले लेता हूँ और मुझे मिला है 42 सेकेंड का। तो मैं यहाँ पे 44 सेकेंड का एक वीडियो ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसको कर देता हूँ ऐड, मतलब रिप्लेस कर देता हूँ मैं उसको उसकी जगह पे। और यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी ब्लू हो चुका है, इसका मतलब वो वहाँ पे हट जाएगा। और यहाँ पे मुझे कर देना है सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइल एडिट आर प्रोसेस, और यहाँ पे सिंपली आपका जो ऑडियो है वो सिंपली सेव हो जाएगा, और आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में आपको दिखाएगा कि आपकी वीडियो जो है, जो आपने वीडियो डाली है, वो प्रोसेसिंग में है। तो मैं सिंपली एक बार फिर एडिट पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, और चला जाता हूँ कॉपीराइट क्लेम पे, व्यू क्लेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्शन बटन अब हाइड हो चुका है, मतलब आप उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेबल व्हाइल वीडियो इज प्रोसेसिंग, मतलब आपकी वीडियो प्रोसेसिंग में, इसका मतलब आपका यहाँ पे जो आपका कॉपीराइट क्लेम है वो हट जाएगा 5 ही मिनट के अंदर, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एलिजिबल लिखा आ जाएगा, मतलब आपकी वीडियो मोनेटाइज होगी और उसका रेवेन्यू आपको जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। शायद आप लोगों को समझ आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।
है।